हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले पॉट्रॉनिक्स की ओर से आने वाला ब्रीज 4 ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। और गाइस, ये एक TWS ब्लूटूथ स्पीकर है और इसी के साथ इसके आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करूं तो 5 वोल्ट के साथ आने वाला है। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से इसका अनबॉक्स करते और देखते कि बॉक्स के अंदर से कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से इसका पहले तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसके बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, एक्चुअल इमेज और इसके अलावा यहाँ पे इसके साइड में आपको थोड़े बहुत की फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाइक की डिटेल वगैरह मिल जाती है। जल्दी से बॉक्स को भाई ओपन कर लेते हैं। पहले तो एक्साइटेड है ना थोड़ा। ओके, इसी के साथ आपको एक तो भाई पहले यूजर मैनुअल मिल जाती है, मेन ब्लूटूथ स्पीकर और एक कुछ है रजिस्टर ये और वारंटी कार्ड करके वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसको आप इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो। और इसी के साथ भाई आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। इन सबको साइड में रखते हो और आते हैं हमारे मेन स्पीकर के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने रेड कलर के अंदर परचेस किया है और यहाँ पे इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई पूरा प्लास्टिक मटेरियल की बिल्ड एंड क्वालिटी है और अराउंड जो इसका पार्ट है वो भाई पूरा फैब्रिक से कवर किया गया हुआ है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में वॉल्यूम और डिक्रीज और इंक्रीज करने का बटन, प्ले पॉज करने का बटन आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में ही देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको एक छोटा सा स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है जहाँ से आप इसको हैंग कर सकते हो। और इसके नीचे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई यहाँ पे कुछ पोर्ट वगैरह कुछ होगा इसका। ओके भाई, यहाँ पे आपको ओनली टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही दिया गया हुआ है। इसके अंदर आपको ऑक्स का पोर्ट नहीं है, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है। लेकिन भाई चलो माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट को हम नहीं काउंट करते हैं, लेकिन भाई ऑक्स का पोर्ट तो होना जरूरी था। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से यहाँ पे इसके फीचर्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। पॉट्रॉनिक्स ब्रिज 4 के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करो तो भाई पहले तो बात आती है कनेक्टिविटी के बारे में। तो भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। और इसी के अलावा यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो भाई अप टू 10 मीटर तक के देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके IPX रेटिंग के बारे में। तो गाइस यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर आपको IPX6 सर्टिफाइड मिल जाता है, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंस आपको ये मिल जाएगा। मतलब आउटडोर एक्टिविटीज या फिर योगा वगैरह कुछ कर रहे हो तब जाके इस ब्लूटूथ स्पीकर का यूज करते हो। अगर बारिश वगैरह कुछ आती है तो भाई नॉर्मल सी बूंदाबांदी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, वाटर रेजिस्टेंस है, IPX6 सर्टिफाइड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसी के साथ भाई एक TWS ब्लूटूथ स्पीकर है, मतलब सेम मॉडल अगर आप दो परचेस करते हो तो सराउंडिंग साउंड की फील आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अब जल्दी से पहले तो इसका साउंड एक्सपीरियंस कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई साउंड एक्सपीरियंस आपको यहां पे किस टाइप का मिलने वाला है। ब्रिज 4 के साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करो तो भाई यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस है 5 वोल्ट के आउटपुट के साथ आता है उसके मुताबिक काफी अच्छी लाउडनेस आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बेस क्वालिटी के बारे में। तो भाई इसकी जो बेस क्वालिटी में मुझे काफी पसंद आई है और ऐसा नहीं है कि इसके आप यूज कर रहे हो और 100% वॉल्यूम पे यूज करते हो तब जाके इसकी जो बेस क्वालिटी आपको फील होने वाले 70-100% के आसपास रखते हो तभी जाके बेस फील होता है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप 50% वॉल्यूम पे भी इसका यूज़ कर रहे हो फिर भी आपको यहाँ पे इसकी जो बेस है ना वो आपको अच्छी तरीके से फील होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके मिड आईज लोज वगैरह के बारे में। तो भाई काफ़ी अच्छी और एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं, मतलब साउंड एक्सपीरियंस के मामले में भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इसके अलावा यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप मूवी या फिर म्यूजिक वगैरह कुछ प्ले कर रहे हो बीच में किसी का कॉल आता है तो आप इस स्पीकर थ्रू भी कॉल अटेंड कर सकते हो। तो अभी इसका माइक्रोफोन का टेस्ट करना जरूरी है तो जल्दी से इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं। अभी आगे की जो आवाज आने वाली है वो डायरेक्टली इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुई आपको सुनाई देगी। तो अभी जो आपको ये मेरी आवाज आ रही है वो डायरेक्टली इस ब्लूटूथ स्पीकर के बिल्ट इन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होती हुई आ रही है। तो यहाँ से आपको अंदाज आ जाएगा कि भाई इसके जो माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है
वो आपको यहाँ पे किस टाइप की मिलने वाली है। तो फाइनली यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर के बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं भाई, इसके अंदर आपको 2000 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है। कंपनी का दावा है कि 50-60% वॉल्यूम पे अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 8 hours का प्ले टाइम मिलने वाला है। अगर आप 70% से अप जाते हो, मतलब 80-90-100% वॉल्यूम पे इसका यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम मिलने वाला है, जो एक काफी अच्छी बात है। और इस प्राइस रेंज के अंदर भाई आपको इतनी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाती है, वो भी काफी अच्छी बात है। और भाई आप लोग पूछोगे कि इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करते हो तो भाई इसकी प्राइस एक्चुअल में क्या है। तो भाई अभी इसकी जो प्राइस है 1299 rupees के अंदर सेल हो रहा है, और इस प्राइस रेंज के अंदर भाई इसकी जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ भाई आपको इसके थोड़े कॉन्स भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब नेगेटिव पॉइंट भी एक दो है भाई। इसके अंदर अगर आपको 5W आउटपुट मिलता है लेकिन इसके जगह आपको 10W दे दिया होता तो भी अच्छा होता। IPX6 सर्टिफाइड मिलता है, IPX7 दे दिया होता तो और भी अच्छा हो जाता। और इसी के साथ यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान रखने का बात ये है कि आप इसको ओनली ब्लूटूथ थ्रू ही इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑक्स केबल का कोई पॉइंट नहीं मिलता है। एक मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा है। और इसी के अलावा भाई अगर आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर जहाँ पे भी होगा अवेलेबल वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। 1300 rupees के अंदर ये मिल जाता है। और आज का वीडियो आपको पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप लोगों को हेल्प भी मिली है मेरे इस वीडियो से, मगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह परचेस करना चाहते थे और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको आइडिया आ गया है कि भाई परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और इसी के अलावा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।